यहाँ पे आप नहाने के साथ साथ फूडिंग भी कर सकते हैं, मतलब खुद से आप फूड यहाँ पे पका सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लोकेशन के साथ आपको मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं हर जगह आपको आग जलती हुई और पूड़ियाँ तलती हुई दिखेंगी। सब लोग फायर कैंपिंग करके अपना गैस और चूल्हा लेके आए हैं और खुद से खाना बना रहे हैं। ये देखिए आप लंगर का भी देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनने वाला है यहाँ पे। बहुत ही अमेजिंग जगह है, एक पिकनिक स्पॉट से लेके फैमिली स्पॉट तक सारी चीज़ें आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही मजे से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फितूर ब्लॉग्स में। और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं ये जगह को। ये जगह यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है, कहानी जो हमारी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी यहाँ से। तो यहाँ से होती है हमारी कहानी की शुरुआत। अभी हम लोग आए हुए हैं, अपनी बाइक बनवा रहे हैं क्योंकि बाइक पंचर हो गई थी। बनारस हाईवे पे आपके जा रहे हैं हम लोग मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर जिला पड़ता है। जगह बहुत ही खूबसूरत है, ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। उससे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हैं हमारे दोस्त जिनके साथ हम जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे मिर्ज़ापुर में। तो राइड अपडेट गाइस, अभी हम लोग बनारस हाईवे पे पहुंच चुके हैं पंचर बनवा कर। बनारस हाईवे पे क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली मिर्ज़ापुर हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, हमारी डेस्टिनेशन है चुनार से 25 किलोमीटर आगे। तो आपको मैंने इतना हिंट तक देख दिया है कि चुनार से 25 किलोमीटर आगे कौन सी जगह है, और आपने ऑलरेडी सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लिए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको इस जगह के बारे में पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कौन सी जगह है। और बहुत ही अमेजिंग जगह है यहाँ, इसके बारे में, इस जगह के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से सुना है, अभी तक मैं गया नहीं, इसलिए ये संडे राइड मैंने इस जगह के लिए प्लान की। तो आपको कैसी लगी ये जगह ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, गंगा जी का पानी रोड पे उतर चुका है, जिसकी वजह से हमें गलियों में होके जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप गंगा जी का व्यू भी इंजॉय कर लो। तो ये हमारी गंगा जी, जो कि इस टाइम पे नदी के बहाव से ज़्यादा उफान पे हैं बारिश की वजह से यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं चुनार। चुनार यहाँ से 16 किलोमीटर और रह गए हैं हम लोगों का, जहाँ हम लोग जाने वाले मेन डेस्टिनेशन, वो मैं आपको नाम बता के रिवील नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट लोकेशन दिखाना चाहूँगा आपको। हम लोगों का भोजन चल रहा है। इस संडे राइड की सबसे अमेजिंग पॉइंट मुझे पता है अभी तक दोस्तों क्या लगा, अभी का मौसम। मतलब पूरी रास्ते मैंने मौसम को एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। बारिश एकदम हल्की सी हो रही है, मतलब इतनी नहीं हो रही है कि हम रुके, समझ रहे हैं आप। इतना अमेजिंग व्यू लग रहा है, इतना सुहाना मौसम लग रहा है। अगर इस मौसम में भी आप घर पे बैठे हुए हैं ना, तो सबसे बदकिस्मत इंसान आप हैं। संडे को निकलो यार, बाहर निकलो। मेरा यही मानना है कि छोटी छोटी जगहों को ही एक्सप्लोर करो, लेकिन घूमते रहो, अपने अंदर के जो क्यूरियोसिटी है उनको मरने मत दो। आपके आसपास की जगहों को तो ज़रूर ही एक्सप्लोर करो। तो यहाँ हम 110 किलोमीटर जौनपुर से आए हैं घूमने के लिए, और उस जगह के मज़े लेने के लिए जिसको बोलते हैं डैश डैश डैश। तो बताइए, वैसे मैं वीडियो के एंड में उस जगह का नाम बता ही दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस एंजॉय करने की ज़रूरत है। पूरी वीडियो एंजॉय कीजिए, मिलते हैं आपसे उस जगह पे। तो मिर्ज़ापुर देखने से आपको गुड्डू पंडित और बबलू पंडित के बारे में जानने को तो सभी को पता होगा, पूरे देश में सभी को पता है। लेकिन मिर्ज़ापुर में ऐसी ढेरों लोकेशंस हैं, इसके बारे में क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल को फॉलो करो, और यूपी में
बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, बहुत सारे झरने ऐसे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। लोग उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, टूरिज्म के बारे में जानते हैं, बट यूपी की ऐसी बेशुमार जगहें जिसका आप मतलब क्या ही डिफाइन करूं मैं इसको, इतना प्यारा यहाँ का नेचर है, इतना प्यारा यहाँ का व्यू है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो चलिए एंजॉय करते हैं, नहाते हैं यहाँ पे, झरने को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की पूरी हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को। अगर आपको इस जगह का नाम पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कौन सी जगह है, और अगर नहीं पता है तो इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट में आपको पता चल जाएगा। चलिए फिर एंजॉय करते हैं। जो आप लोगों ने अभी सिनेमैटिक एंजॉय किया, मस्ती देखी, सारा कुछ देखा जो आपने, वो इस जगह को कहते हैं सिद्धनाथदरी। इस जगह को कहते हैं सिद्धनाथदरी। तो आप अगर मिर्ज़ापुर आए तो ज़रूर आए इस जगह को। चुनार से मुश्किल से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पे है ये जगह, और बहुत ही कमाल है एक्सपीरियंस किया मैंने, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपसे मिस ना हो ये टूरिस्ट प्लेस। आप अगर मिर्ज़ापुर घूमने आए तो ज़रूर इस जगह को विज़िट करें एक बार मेरे कहने पे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मारें, ठीक है। मिलते रहेंगे अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग हमारा होने वाला है फूड ब्लॉग, जहां हम तंदूरी चिकन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले फूड ब्लॉग में।